गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल आर्मी रेडर। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ लाया हूँ कि नॉलेज की चीज़ जो आप लोगों को पता होना चाहिए और आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए कि मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ एक ऐसे क्वाड्रेंट जो आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर पैसा कैसे कमाया जा रहा है, किन चार क्वाड्रेंट के ऊपर ये जो है पैसा जो सर्कल है वो चल रहा है। तो इस चीज़ के बारे में आज मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, जिस जो 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 होता है ESBI के बारे में आप लोगों को आज मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा कि क्या चीज़ है ESBI, इसे कैसे दुनिया पैसा अर्न कर रही है और कैसे आवर रिवॉर्ड के जो है इस बुक के जो राइटर है कियोसाकी, तो वो कैसे उन्होंने इस बुक को लिखा, कैसे उन्होंने समझाया इस चीज़ को, तो उस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, उस बारे में समझाऊंगा आप लोगों को ताकि आप लोगों को इस चीज़ से समझ आ सके, ताकि जो लोगों का जो ये जो माइंड है जो मतलब कि एक नौकरी के अंदर ही मतलब कि गया हुआ है, तो मतलब वो सिर्फ जो नौकरी करने वाले यही सोचते हैं कि सिर्फ हम जॉब ही करते रहें पूरी ज़िंदगी, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, बेहतर बना सकते हो, तो उसके लिए आपको लेकिन कुछ बिजनेस बोलते हैं रिस्क तो लेना ही पड़ता है, बिजनेस चाहे कोई भी हो, तो भैया बिजनेस तो रिस्क का है। सो आप लोग भी सभी ये जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ये कर सकते हो, और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए आपको कुछ पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, तो जो ज़्यादा अच्छा समझेगा वो इसके अंदर मतलब कि वो अच्छा ही आगे बढ़ेगा, जो जितना समझेगा उतना ही उसका लेवल ऊपर जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप अच्छे तरीके से जानते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा इसके बारे में, और आप लोग अगर कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो आप इसको गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, तो आपको उस पर क्लियरली नज़र आएगा कि दुनिया कैसे नीचे से ऊपर उठ रही है और आप लोग कैसे वहीं के वहीं हैं। तो हमें भैया 95% लोगों के बीच में नहीं, 5% लोगों की तरफ जाना है, तो ये आज वीडियो मैं उसी के ऊपर बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इसे ध्यान से आप देखिएगा और ध्यान से समझिएगा और मेरी बातों को गौर कीजिएगा ठीक से कि ये चीज़ सही है या नहीं है। तो प्लीज़ उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आप मेरे जितने वीडियोस आने वाले हैं नए वीडियोस वो आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स आपको ये मेरे ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपको स्क्रीन के ऊपर ये जो मैंने लिखा हुआ है स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, ESBI यानी कि ESBI। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ESBI मॉडल है क्या चीज़। ESBI मॉडल का मतलब होता है कि कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ठीक है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझ लेते हैं। अभी कैश फ्लो क्वाड्रेंट क्या होता है, आप पैसे कमाने के लिए जो भी काम कर रहे हो वो आपको ESBI मॉडल या ESBI कॉन्सेप्ट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, और जो ये जो कॉन्सेप्ट जो है, जो इस कॉन्सेप्ट को जो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी कहा जाता है, जो ESBI मॉडल है इसको कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी कहा जाता है। यकीन मानिए कि इस जानकारी से लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल गई हैं, और इसे जो आप मेरे जो मैं आपको बताने वाला हूं इसको आपको बताने के बाद और पैसे को लेकर और आपके सोचने समझने के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है। आपको पता होगा कि दुनिया के 90% लोग जो लोगों का जो पैसा है वो बिजनेसमैन और निवेशकों के पास होता है, और केवल जो 10% पैसा होता है वो सिर्फ आदमी के पास होता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है, हमको ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए आपको जो ESBI मॉडल है जो ये हमारा, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको विस्तार से समझते हैं कि क्या चीज़ है ये। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ESBI मॉडल है क्या चीज़ ये। तो सन 1998 में जो रॉबर्ट कियोसाकी ने जो क्या किया था, रॉबर्ट कियोसाकी ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट की जो गाइड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से किताब लिखी थी, जो कि दुनिया भर के बेस्ट सेलिंग किताबों में से एक थी। तो ESBI मॉडल या कैश फ्लो क्वाड्रेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बताता है कि दुनिया के जो कम लोग या काम करने वाले लोग भी ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, और वहीं जो ज़्यादा अमीर हैं अमीर होते जाते हैं, और वहीं कुछ लोग ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन दिहाड़ी करते हैं, लेकिन वो क्या गरीब रह जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या किया रॉबर्ट कियोसाकी ने दुनिया को जो है इसको चार भागों में बांट दिया, जिसे क्या बोलते हैं हम फोर कैश फ्लो क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसके अनुसार हमको ये भी समझाया गया है कि यदि आप अमीर होना चाहते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं,
तो आपको किस प्रकार काम करना चाहिए। तो ये हमें चार तरीकों से काम करना चाहिए इसके ऊपर, जो है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के प्रकार कितने? चार प्रकार के, यानी कि ये हमारे फर्स्ट हो गया क्या, एम्प्लॉय, सेकंड हो गया सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड हो गया बी फॉर बिजनेस और आई फॉर इन्वेस्टर, यानी कि ESBI। ये कॉन्सेप्ट जो ये मॉडल है पूरा का पूरा, ये हमको इसके बारे में समझ आना चाहिए कि ये पैसा कैसे कमाया जा रहा है, कैसे निवेश हो रहा है पैसा। हम ये 90% 95% लोगों में से हमें जो 5% पे हमें कैसे आना है, तो यहाँ से हमें यहाँ आना है, यहाँ से यानी कि यहाँ हमें आना है। तो फ्रेंड्स वो कैसे आएंगे वो देखेंगे आज हम। तो हम जो कैश फ्लो के चार क्वाड्रेंट में जो हम डिवाइड करते हैं, फर्स्ट जो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट होता है सेल्फ एम्प्लॉय, सेकंड सेल्फ एम्प्लॉय, थर्ड बिजनेसमैन और फोर्थ के इन्वेस्टर। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसी को। तो फर्स्ट होता है कि एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय होते हैं ये एम्प्लॉय होते हैं नौकरी करने वाले होते हैं वे लोग जो किसी के लिए जो काम करते हैं, ये अपना समय और मेहनत बेच कर कमाते हैं। ये क्या करते हैं, एक्टिव इनकम के लिए क्या करते हैं, ये एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। एक्टिव इनकम के लिए जो है ये लोग क्या काम करते हैं, मतलब कि क्या है एक्टिव इनकम का मतलब क्या है कि जब तक काम करेंगे, यानी कि जब तक टाइम देंगे, जब तक क्या है मनी, TOBLIQUE M, यानी कि टाइम देंगे तो मनी आएगी, समझ गए आप। यानी कि टाइम दिया इन्होंने तो क्या है पैसा आएगा, और इन्होंने टाइम नहीं दिया तो नो मनी। ओके, यानी कि अगर ये काम करना बंद कर दे तो इनको पैसा मिलना भी बंद हो जाए, यानी कि टाइम देना बंद कर दे तो और मनी देना भी इनको नहीं होगा। और इनके पास सप्ताह में जो सिर्फ एक जो दिन है वो सिर्फ खाली रहता है, यानी कि ये सप्ताह के मंडे टू सैटरडे वर्क करते हैं और सिर्फ संडे इनका क्या होता है, ऑफ होता है। ओके, ये कौन से होते हैं, एम्प्लॉय, जो मतलब कि एम्प्लॉय लोग हैं, जो नौकरी करने वाले लोग हैं। अब आ जाते हैं हम सेकंड वन किस पे, सेल्फ एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, जो कि सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि स्वरोजगार। स्वरोजगार क्या होते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे स्वरोजगार, अभी जो इस वर्ग में आते हैं, इस वर्ग में जैसे हो गए आपके दुकानदार या शॉपकीपर बोल दो आप इंग्लिश में। ओके, सेकेंड वन इज़ डॉक्टर एंड थर्ड वन इज़ लॉयर, यानी कि वकील। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको ज़रा अच्छे से समझिएगा इस चीज़ को कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, क्या चीज़ है जो आज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पर, तो प्लीज़ इसको ठीक से समझिएगा थोड़ा। तो सेल्फ यानी कि एस सेल्फ एम्प्लॉयर, जो कि उन्हें खुद के लिए काम करते हैं, यानी कि उनके पास मतलब खुद के लिए फ्रीडम होती है, वो खुद काम करें, दिल किया तो काम किया, नहीं करना तो नहीं किया। भाई फर्स्टली क्या है, हमारे पास दुकानदार आ गया, दुकानदार का मन किया तो भाई दुकान खोली, अगर दुकान खोलेगा तब पैसा आएगा, और यानी कि ये टाइम देगा अगर तो पैसा आएगा, है ना, इसमें भी TOBLIQUE M ही आएगा, यानी कि दुकान खोलेगा यानी कि टाइम देगा और तभी क्या आएगा, इसके पास मनी आएगी। और जिस दिन दुकान बंद यानी कि शॉप यानी कि बंद, तो क्या मनी नहीं आएगी। तो यानी कि हो गया, ये लोग क्या है खुद के लिए काम करते हैं और ये भी एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। ये भी कौन सी, एक्टिव इनकम। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे होंगे एक्टिव इनकम को, तो ये इनके पास ही एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं। और ये भी अगर एक सप्ताह छुट्टी पर चला जाए तो इनकी हफ्ते की इनकम कितनी होगी इनकी, यानी कि वीकली, अगर ये वीकली अगर छुट्टी पर चले गए तो वीकली इनकम कितनी होगी इनकी, शून्य, यानी कि ज़ीरो। यानी कि इन दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ई और एस क्वाड्रेंट के अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है इन दोनों में। ये भी टाइम दे रहा है तो पैसा कमा रहा है, और ये भी टाइम देगा, ये भी TOBLIQUE M टाइम देगा तभी इसके पास पैसा आएगा, टाइम नहीं देगा तो मनी नहीं आएगी। तो ये भी क्या, इन्हें भी काम का जो है बहुत तनाव रहता है, इनके अंदर बर्डन दिमाग में बहुत सारी झंझट रहता है कि यार ये रह गया, वो लाना है, बहुत सारा मतलब मेंटली डिस्टर्ब रहता है आदमी इस चीज़ के अंदर। जो सेल्फ एम्प्लॉय है, ये जो बिजनेस करते हैं जो लोग खुद का, इसमें भी काफ़ी सारे झंझट रहते हैं। तो ई और एस एम्प्लॉय तो ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपना बी क्वाड्रेंट के ऊपर। अभी आ गया बी क्वाड्रेंट, यानी कि बिजनेस के जो मालिक होते हैं, ये क्या करते हैं, बिजनेस के मालिक होते हैं। इन्हें स्वयं नहीं काम करना पड़ता, ये खुद काम नहीं करते हैं, ये सेल्फ काम नहीं करते हैं, ठीक है। और इनके लिए क्या है, दूसरे लोग काम करते हैं। इनके लिए कौन लोग काम करते हैं, ये ई और एस वाले जो लोग होते हैं, ये क्या है, ये किसके लिए काम करते हैं, ये इसके लिए काम करते हैं। ओके, इनके पास एक सिस्टम होता है, ठीक है, इनके पास जो सिस्टम होता है जो इनके लिए पैसा कमा कर देता है, ये अपने नीचे सिस्टम, ये अपने नीचे मतलब कि सिस्टम तैयार करते हैं, ठीक है,
सिस्टम तैयार करते हैं, अपने नीचे लगाएं, अपने नीचे ये मतलब कि बंदे हायर करेंगे और ये क्या है, ये काम नहीं करेगा, ये बैठ के सिर्फ करेगा। काम कौन करेगा इसके लिए? ई और एस, एस क्वाड्रेंट के लोग, ठीक है। तो क्या करेंगे इन्होंने, कैसे कमा रहे हैं, ये बैठ के कमा रहे हैं, ठीक है। चाहे काम ये टाइम नहीं दे रहे हैं, ना मनी दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हैं, ये ना तो टाइम दे रहे हैं और ये मनी इनके पास आ रही है ना। ये सिर्फ इन्होंने क्या किया, सिर्फ इन्होंने मतलब कि अगर जो काम एक घंटे में होना है, एक घंटे में एक आदमी मतलब कितने घंटे में काम कर सकता है, एक आदमी मतलब एक घंटे का काम एक घंटा कर सकता है, लेकिन वही अगर एक काम को अगर 100 आदमी करेंगे तो कितने टाइम, कितने घंटे हो गए, कितने घंटे में वो काम हो जाएगा, वो आप देखो। तो इस इनके पास जो इनकम आती है वो कौन सी होती है, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम होती है जो, वो इनके पास आती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं लोग, ये लोग होते हैं पैसिव इनकम जो होती है, जो मतलब कि पैसिव इनकम कौन सी है, वो टाइम नहीं भी देंगे तब भी पैसा आएगा, ठीक है। और अगर वो सो रहे हैं तब भी पैसा आएगा, अगर वो ये लोग सो रहे हैं अगर तब भी पैसा आएगा, जाग रहे तब भी पैसा आएगा, वीकेंड पे चले गए तब भी पैसा आएगा, ठीक है। मतलब ये पैसिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं, ये काम ना करें तो भी इनके पास पैसा रहेगा, ठीक है। अगर ये काम भी नहीं करेंगे, अगर ये एक वीक के लिए अगर कहीं हॉलीडे पे भी चले जाएंगे तब भी क्या होगा, इनका जो है वो बंद नहीं होगा। इनके पास खुद के लिए और परिवार के लिए क्या होता है, पर्याप्त समय होता है उनके पास, अपने परिवार को पूरा टाइम दे पाते हैं और अपने परिवार को मतलब वीकेंड पे जा सकते हैं, अपना कहीं भी घूम फिर के आ सकते हैं, तो इनके लिए क्या है, पैसिव इनकम है। इसके बाद आ जाते हैं कौन से, आई, आई फॉर यानी कि इन्वेस्टर, यानी कि निवेशक। निवेशक कोई भी हो सकता है जिसके पास पैसा होता है ना, इसके पास मनी होगी, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। इनका पैसा इनके लिए काम करता है ना, ये अपना पैसा क्या करते हैं, अलग अलग बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, निवेश करते हैं, और ये पैसे से क्या, मनी क्या है, बनाते हैं, ठीक है, ओके। और जो इन्हें बिना काम किए जो क्या है, ये काम भी नहीं करेंगे, अगर बिना काम किए बिजनेस पैसा लगा दिया तो इन्हें बिना कोई काम तो कर नहीं रहे, पैसा लगा दिया तो इन्हें बिना काम किए भी क्या मिल रहा है, पैसिव इनकम मिल रहा है, पैसिव इनकम है ना। और ये भी क्या होते हैं, इनके टेंशन फ्री लाइफ हो जाती है, इनकी लाइफ क्या होती है, टेंशन फ्री होती है। और आपने अगर गौर किया होगा तो जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग होते हैं वो एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे होते हैं, और इसी वजह से उनके पास क्या होता है, ज़्यादा समय, इन लोगों के पास क्या होता है, ज़्यादा समय नहीं होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, अकेले काम कर रहे होते हैं, ये दोनों क्या, अकेले काम कर रहे होते हैं, और इनकी कोई टीम नहीं होती, ना कोई इनका सिस्टम होता है, और इसकी वजह से क्या, पैसा नहीं बना पाते। और नौकरी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में जब भी मौका मिले तो क्या है, ये अपना क्वाड्रेंट क्या बदलने का, यहाँ से यहाँ आने का प्रयास करना चाहिए, यहाँ से यहाँ आने का प्रयास करना चाहिए। जब आप नौकरी करते करते खाली समय और मतलब कि पैसों का सही उपयोग करेंगे तो आपका क्वाड्रेंट जो है क्या है, धीरे धीरे बदल जाएगा, और आपका बिजनेस, आप भी अपने जो ओनर बिजनेस, यानी कि बिजनेस ओनर खुद आप बिजनेस ओनर और जो इन्वेस्टर होता है उसकी श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। तो ESV मॉडल के बारे में हमें यही जानकारी मिलती है जो कि हमारे रॉबर्ट कियोसाकी। तो फ्रेंड्स, आपने ESV मॉडल में यहाँ तक आपको जानकारी अच्छी मिल गई होगी। तो ये जो बुक है जो हमारे राइटर जो हैं रॉबर्ट कियोसाकी सर, तो उन्होंने लिखी है, ये जो रिच डैड्स और पुअर डैड भी इनकी एक बहुत अच्छी बुक है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, और कैश फ्लो क्वाड्रेंट से ली गई है, मतलब उसी। और अगर आपको इस बुक्स की जानकारी अगर अच्छी लग रही है मेरे द्वारा दी गई, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।